गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैंने स्वर में आपको आफ्टर लेटर बिफोर लेटर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? आफ्टर लेटर बिफोर लेटर, पार्ट 14 और 15 में, है ना। आफ्टर मीन्स बाद में, है ना। जैसे अ के बाद क्या आता है? अ, अ, अ। छोटी ई के बाद बड़ी ई, छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, ऊ। ए के बाद आई, ऐनक, ए आई। ओ के बाद औ, है ना, ऐसे। फिर अंग के बाद आहा। अब बिफोर, पहले वाला भी, आ से पहले अ, बड़ी ई से पहले छोटी ई, है ना, बड़े ऊ से पहले छोटा ऊ, ऐसे। आज मैं आपको बिटवीन लेटर सिखाऊंगी। आफ्टर बिफोर सबने लर्न किया ना, पढ़ाई की, वेरी गुड। अब हम बीच वाले लेटर सीखेंगे, है ना। जैसे आप नंबर्स में मिडिल नंबर सीखते हो, बीच वाले, है ना, ऐसे ही बिटवीन। क्वेश्चन क्या है? राइट बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन बिटवीन एल ई डबल ई एल ई डबल टी ई आर लेटर। ओके, तो बच्चों राइट बिटवीन लेटर यानी बीच के, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों के बीच में क्या है? टू। वन और थ्री के बीच में क्या आया बच्चों? टू। ऐसे ही हम लेटर्स में भी सेम, जैसे मैथ्स में करते हैं ना बच्चों, एग्जांपल दे रही हूं, वन ये थ्री, तो बीच में क्या आ गया? टू। ऐसे मैथ्स में करते हैं, ऐसे ही हम स्वर में करेंगे। अ और बड़ी ई, तो इसके बीच में क्या आएगा बच्चों? सॉरी, ये अ आ, छोटी ई आएगा यहाँ, अ आ, क्या आ जाएगा? आ। ओके, फिर छोटी, फिर छोटी ई के बाद क्या आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर पे? छोटी ई, ई बड़ी, फिर छोटा ओ, ई ई उ। अब छोटा ओ थर्ड नंबर पे, उ के बाद क्या आएगा बताओ जल्दी से? वेरी गुड, कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। कैसे प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ साथ बोलो? उ, है ना, बड़ा ऊ। री, ऋषि का। अभी छोटा ए, ए, तो ए के बाद क्या आएगा बोलो साहब? आई, ऐनक वाला। ओके, ये ए आई, यहाँ मात्रा ओ, ए आई ओ। ओ और अंग के बीच में क्या आएगा बताइए? औ, ओ औ, दो मात्रा। ओ में एक मात्रा है ऊपर और औ में दो, ओ औ अंग। तो बच्चों एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलना है आपको, दर ध्यान देना है। नंबर वन पे राइट बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में। ओके, आ और ई, छोटी अ के बाद क्या आता है अभी बताओ? छोटी ई के बीच में, अ और ई के बीच में, आ, अ आ ई, कैसे बोलेंगे? अ आ ई। फिर नेक्स्ट टू नंबर पे ई ई, ई ई ऊ, ई ई ऊ, बोलो दोहराओ मैम के साथ, ई ई ऊ। फिर थर्ड नंबर पे ओ ओ, ऋषि का, है ना, ओ और ऋषि के बीच में क्या आ गया? बड़ा ओ। तो हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ओ ओ ऋषि का, है ना। फिर फोर्थ नंबर पे ए और औ, ए औ, ओ सॉरी ए ओ, ए और ओ के बीच में क्या आएगा? ए आई, ए आई ओ, ए आई ओ, औ ओ औ अंग। ओ, ओ और अंग के बीच में क्या आएगा लास्ट फिफ्थ नंबर में? ओ और अंग, तो ओ औ अंग, है ना। यदि सिक्स नंबर और मैं एक लिख रही हूं औ, ये मिस ने लिख दिया औ, तो आओ, और यहां लिख दिया आहा,
तो क्या आएगा बताओ जल्दी। ओ औ, औ के बाद क्या आएगा बोलो। ओ औ अंगाहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा औ, औ के बाद अंग, अंगूर, अंग से अंगूर होता है ना, अंग आहा। सो सिंपल है ना, आसान। ओके बच्चों, तो इसकी बच्चों आप प्रैक्टिस करना, बोल बोल के लिखना, से एंड राइट, सो सिंपल, बहुत आसान है। ओके बच्चों, आसान है ना, वेरी गुड, सबको समझ आया, शाबाश, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, यूनिट टेस्ट आ रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, मम्मी को तंग नहीं करना। ओके, और मैं इसका पीडीएफ डालूंगी, फेयर कॉपी में लिखना। ओके बच्चों, बाय।